मैं डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आज आपको बारिश के दिनों में अक्सर हो जाने वाली एक दुर्घटना उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी बहुत ही शॉर्ट में। देखिए हमारा ये जो चैनल है वो हेल्थ नॉवेल है, तो इसकी वजह से हेल्थ के बारे में जो जो छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती है वो भी मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगी। बारिश के दिनों में जैसे ही बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो घर में हमारे फर्श पर गीला एक भी पानी का ड्रॉप पड़ता है तो हमारे पांव फिसलते हैं। वैसे ही बाथरूम में भी हमें बाथरूम और टॉयलेट में भी बहुत सुरक्षा से हमारे पांव रखने पड़ते हैं क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाते हैं। और जब भी हम घर के बाहर जाते हो, वैसे तो हम घर में बहुत ज्यादा केयर करते हैं, केयर ले भी सकते हैं, लेकिन जब भी हम बाहर जाते हैं और कहीं ऑफिस में जाते हैं, कभी मॉल में जाते हैं, कभी बाजार में जाते हैं, रास्ते से जाते हैं, तो वहां पे देखिए रास्ते पे तो अक्सर खड्डे हो जाते हैं तो उसमें पानी भरता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि कितना बड़ा था वो खड्डा और हमारा पांव उसमें फिसल सकता है। और एक बात कि हम जब सीढ़ियां चढ़ते हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, तो इसकी वजह से मैं आज आपको बहुत ही एक केयर लेने के लिए आपको बोलूंगी कि देखिए जब भी बारिश के दिन है तो आपको चलते समय ऐसे 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 नहीं चलना है, बहुत स्लो चलना है और पांव थोड़ा जहां पे भी स्लीपरी है वहां पे ऐसे पांव करके ऐसे 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 चलना है। देखिए अगर आप ऐसे 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 चलते हो तो आप अगर फिसलते हो ना तो अपना एक हाथ जो है ना वो उसके हाथ के ऊपर पूरा अपना शरीर का दबाव डाल देते हो और अक्सर वहां पे यहाँ पे रिस्ट जॉइंट में बिल्कुल फ्रैक्चर होना तो बनता ही। मैंने तो मेरे आज इस महीने में तो मैंने इतने पेशेंट देखे हैं कि जहाँ पे ये प्लास्टर डाले हुए हाथ हैं, तो ये किसकी वजह से, तो स्लीपरी रोड, स्लीपरी घर, स्लीपरी बाथरूम। तो देखिए ये बहुत आपको केयर लेना पड़ेगा और जब भी आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी स्लीपर नहीं डालना, रबर के स्लीपर जो है वो नहीं डालना, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि अभी बारिश का दिन है तो रबर के स्लीपर डाल के घूमेंगे क्योंकि हम लाइट के बटन दबाते हैं तो वहां से अगर कोई करंट भी लग जाता है तो रबर के स्लीपर रहेगी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रबर की स्लीपर जो है ना वो बहुत ज्यादा स्किड हो जाती है, उससे आप फिसल सकते हो। तो उसकी वजह से जब भी आप चप्पल पहनोगे, आजकल वो प्लास्टिक के सोल रहते हैं वो जो चप्पल है वो चप्पल पहनना। अगर आपको घर में आप अगर आपकी उम्र हो चुकी है तो आप घर में आप जरूर लाठी यूज करना चलते समय, क्योंकि अगर आपके हाथ में लाठी है तो आपको आप नहीं गिरोगे और आपको तकलीफ नहीं होगी। ज्यादा करके आफ्टर 50s क्या होता है कि घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और तब भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है चलने में, और ऐसा स्लिपरी रोड है, स्लिपरी फर्श है तो बहुत जल्दी आप गिर जाते हो। और आफ्टर 50s तो आप देखिए ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसकी वजह से कमर के जो जॉइंट्स हैं और वो हिप जॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा फ्रैक्चर होने की आशंका रहती है और फ्रैक्चर हो जाता है इस उम्र में। क्रैक, हेयरलाइन क्रैक तो बहुत ज्यादा आती है तो उसकी वजह से भी आपको केयर लेना पड़ेगा। पहले मैं आप आज बात बताती हूँ कि चलते समय आप बहुत सावधानी से चलिए, रबर की चप्पल ना पहनिए और जहां पे स्लीपरी है, ग्रीनिश है, वहां पे तो पांव ही मत रखिए, क्योंकि जैसे आपको तो लगता है कि नहीं वो इतना स्लिपरी नहीं है और आप पांव रख देते हो और आप जोर से फिसल जाते हो, तो इसकी वजह से आपको ये ध्यान रखना है। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेडीज आप तो फर्श पर बिल्कुल ही पानी आपके यहाँ नहीं पड़े देखिए, क्योंकि आप अच्छी हो तो आपका घर अच्छा है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।